हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। कक्षा 8 एमपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक का पार्ट 4 है, लेसन 4 है, ट्रीज अवर सेवियर्स। हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे, आप सुनते जाइएगा। ये चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में है, यहाँ पे जो पेड़ की महत्ता है और एक कहानी टाइप का है, तो आप ये सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे जल्दी से कवर करा देता हूँ, बस आप सुनते जाइएगा, आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप एंसर्स अपने से लिख पाएंगे, ठीक है ना। लेसन 4 पार्ट 4, ट्रीज अवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक, सीवियर्स रक्षक। कर्सर जहाँ पे ले जाते होंगे उसका वो अर्थ रहेगा, आप देख लीजिएगा आप किस करिएगा, ठीक है ना। नेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, आपसे पूछ रहा है कि आप कुछ प्रकार के पेड़ों के नाम जानते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों से क्या पाते हैं, फल, जड़ी बूटियाँ, पत्ते, लकड़ी, सारी चीज़ें क्या नहीं पाते, ठीक है ना। ये हिमालयन रीजन है, यहाँ की कहानी है, ये उत्तराखंड की कहानी है जो कि उस टाइम उत्तर प्रदेश का भाग था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of the people of Uttarakhand. जो हिमालयन के फॉरेस्ट है, जंगल है, हिमालय रीजन के, हिमालय क्षेत्र के, उनकी एक अहम भूमिका रही है जो उत्तराखंड के लोग रहे हैं उनके जीवन में। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉर दे कैटल, जो उनके मवेशी हैं उनके लिए वो चारा सप्लाई कर रहा था, पेंट दे रहा था, चारा वगैरह दे रहा था। वुड फॉर फ्यूल, जो लकड़ी है वो ईंधन के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। फ्रूट्स फॉर फूड, जो फल हैं वो खाने के लिए। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो जड़ी बूटियां हैं वो उपचार के लिए। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब मानसून आ जाया करता था तो वो जो जंगल है उसने प्रिवेंटेड फ्लड्स, बाढ़ आने से भी रोका, बचाया, रक्षा किया, और इसके अलावा जो मृदा अपरदन है उसको भी बचाए रखा। मृदा अपरदन, ये मिट्टी के कटाव को बोलते हैं। आप नदी देखे होंगे, उसके किनारे किनारे कैसे, ये देखिए मिट्टी कट जाती है, नदी बह रही है, छोटा सा एग्जांपल है, इसे मृदा अपरदन बोलते हैं। या आप देख रहे हैं मिट्टियाँ कट के बह जा रही हैं, ये जाके समुद्र में मिल जाती हैं, या फिर ये मिट्टी उस जगह को बर्बाद कर देती हैं क्योंकि उपजाऊ मिट्टी अन्यत्र बह के चली जाती हैं। तो जब मानसून का सीजन अधिक वर्षा वाला सीजन होता है तो इस सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन से बचाती हैं। ड्यूरिंग द 1970s, 1970 जमाने की बात है। हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगैन, जैसे ही पेड़ों की कटाई की शुरुआत बड़े पैमाने पे हुई, ट्रीज वेयर कट डाउन, पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, जमीन को पकड़े रखने के लिए कुछ नहीं था। द रशिंग रैन वाटर कैरीज अवे नॉट ओनली द साउथ, जो तेजी से बहने वाला पानी है वो न सिर्फ मिट्टी को बहा के ले गया, बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें भी, कॉजिंग लैंड स्लाइड्स, इसकी वजह से भूस्खलन हुए। ये देखिए भूस्खलन का एक एग्जाम्पल है, कैसे देखिए कार यहाँ पर पड़ी है, सड़कें टूटी हैं, ये भूस्खलन के कुछ उदाहरण हैं। आप देखेंगे सड़क पर पूरा का पूरा मलबा आ जाता है। फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स, और नदियों पर अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से, और जब ये पूरा भर जाता था नदियों पे जाके तो बाढ़ का एक रीजन बन जाता था। फर्दर ऑइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बींग टेकन अवे, की वजह से कि देखिएगा जितने भी पेड़ है वो सभी काटे जा रहे थे, लिए जा रहे थे। द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस ग्रेट डिफिकल्टी, तो पेड़ों के अंदर उनकी कटाई से जो उस पर निर्भर लोग थे वो अब ईंधन के लिए और जो खाना है उसके लिए अब वो बहुत मशक्कत करने लगे थे, बहुत उनको तकलीफ हो रही थी। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, अब उनको ज़्यादा दूर तक तय करना पड़ता था कोई भी लकड़ी जलाने के लिए जो ईंधन के तौर पर प्रयोग होता था खाना बनाने के लिए। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, और वो पेड़ थे जो कि खाने के लिए और जो दवाई के लिए यूज होते थे। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और उनके मवेशी को चराने के लिए। The people were angry but helpless, जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा थे लेकिन असहाय थे। They did not know what they, वो नहीं जानते थे कि क्या वे कर सकते हैं। The simple villagers, दे यहाँ पे हो रहा है, बात हो रही है कि जो साधारण मामूली लोग हैं गांव के, could do to stop the destructions of their forests, कि जंगल की जो बर्बादी है कैसे उसे रोक सके, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। For a long time, rich forests had been destroyed by the contractors, जो ठेकेदार थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा बहुत घना जंगल तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। One morning in March 1973, 1973 की एक सुबह, जो मार्च का महीना था, a group of people from a factory, एक
लोग कुछ लोगों कुछ समूह जो कि एक फैक्ट्री से आए थे, वो फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड। तो जो फैक्ट्री रेलवे के कोच बनाती थी, ठीक है ना, वो आई गोपेश्वर में। गोपेश्वर एक गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। देखेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तराखंड हो गया ये वाला पार्ट, अपन यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में है और उत्तराखंड के इस पार्ट में देखेगा चमोली डिस्ट्रिक्ट है। They had come to cut the ash trees, जो ash का पेड़ रहता है उसको काटने के लिए आए थे। आप ये देखिए, ये ash का पेड़ है, ये काफी ज्यादा इसका प्रयोग होता है, काफी ज्यादा ये काम में आता है। The wood was to be used to make sleeper for the railways in the plains, जो उसकी लकड़ी होती है उस पेड़ की, उसका जो स्लीपर बनता, जो उसका कोच बनता, जो ट्रेन चलती मैदानी भाग में उसके लिए। The villagers requested the axemen to go back, जो गांव के आदमी थे वो निवेदन किए, जो लकड़हारे थे, जो लकड़ी हाथ में, जो कुल्हाड़ी हाथ में लिए थे, कि आप प्लीज चले जाइए। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन वो मना करते, हम नहीं जाएंगे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड, जो लोग थे गांव के लोग थे वो बोले कि हम किसी भी हालत में इन कुल्हाड़ी को पेंट के छूने नहीं देंगे, टच नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। दे सेड, लोग बोले, लेट अस सेव आवर प्रेशियस ट्रीज, हमें हमारा अनमोल कीमती ये ट्री पेड़ बचाने दीजिए। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, हमें इससे चिपकने दीजिए, हम चलो इस पे चिपक जाएं ताकि इस पे कोई ना पहुंचे, हुआ आपस में बोले गांव वाले। एंड दे ऑल रश्ड फॉर फॉरवर्ड शूटिंग, चिपको चिपको, और सभी ये बोलते हुए आगे चिल्लाते हुए पहुंच गए, चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे, ये जो परिस्थिति बदल चुकी थी इसे देखते हुए जो कुल्हाड़ी हाथ में लिए थे वो घबरा गए और वहां से भाग के चले गए। द पीपल हैड सक्सेसेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और लोग इस तरह से अपना पेड़ बचाने में सफल रहे। दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज, इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, यह पहला चिपको आंदोलन था, इसे चिपको आंदोलन इस मूवमेंट को नाम दिया गया, और यह पहला अहिंसात्मक मूवमेंट था जो कि पेड़ों के लिए किया गया, और जो पर्वतवासी लोग थे उन्होंने भी पेड़ों को बचाने के लिए किया। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजली, गोपेश्वर गांव के लोग तो पेड़ को बचाने में सफल रहे लेकिन जो ठेकेदार लोग थे वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, इतनी आसानी से वो सब छोड़ने वाले नहीं थे। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो गोपेश्वर गांव है वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर उन्होंने एक और जगह चूज की, एक और जंगल चूज किया जहां पे वो कटाई करने वाले थे। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, जो इसकी खबर है वो गोपेश्वर गांव तक पहुंच गई। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वीमैन ओल्ड इन एंग बिगेन टू मार्च इन ए प्रोसेशन, तो जितने भी गाँव के आदमी, औरतें, बूढ़े, जवान, सभी एक जुलूस निकाल के चल दिए। दे कैरीज ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स लाइक मैसेज विथ मैसेज लाइक, वो अपने साथ ड्रम्स, ढोल, नगाड़ी, जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे के सारे बैनर्स हाथ में लिए चल दिए। चॉप मी, मुझे काटो, नॉट द ट्रीज, पेड़ों को नहीं। एंड और क्या लिखे थे, किल अस फर्स्ट, हमें पहले मारो, बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, इससे पहले कि आपको एक सिंगल भी पेड़ काटो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, तो जो लकड़ी जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए थे वो अपना हाथ नहीं उठा सके, वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठा सके। दे फ्लेड, वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वन सेकेंड वन, जो चिपको का आइडिया है वो एक बार फिर से जीत गया। ट्रीज हैड विन सेव, जो पेड़ है वो बचा लिए गए। द मैसेज वी कैन टू सीव थ्रू द रीजन, और ये जो खबर है कि देखो चिपको आंदोलन से तो पेड़ पूरे बच गए, कुछ नहीं हो पाया, ठीक है ना, ये पूरी खबर फैल गई कि जो कंट्रीब्यूटर हो तो भाग गए, चिपको आंदोलन से उडर के भाग गए। द पीपल ने दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड, लोग जानते थे कि अगर वो अपने जंगल को बचा पाए लोग तो वही जंगल उनकी मिट्टी को बचाएगा, उन्हें बचाएगा, और जो पानी है उनके लिए बचाएगा, और जो उनकी जिंदगी है उसको आसान करेगा, उसे भी वो बचाएगा। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, ऐसी और भी घटनाएं हैं जो हुई हैं ओवर द ईयर्स। द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, और आए दिन समय के साथ, वर्षों के साथ समय जैसे बीत गया, तो यह जो लोगों का आंदोलन रहा ये पूरे
इंडिया में और पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। दस पीपल हैव कम टूगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट और ऐसे लोग एक साथ आ गए वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट और अपने जंगल को बचाने के लिए। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द वीमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस और वे एक समूह में आ गए, संगठन में आ गए, खासकर जो औरतें हैं, सच इज दशोली ग्राम स्वराज मंडल, ये वहीं का है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का ही है, एक संगठन है जो कि पेड़ों की रक्षा करता है, उसके लिए वर्क करता है। रिजनरेटेड द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो जंगल तबाह कर दिए गए थे उनको फिर से नया जीवन प्रदान करने, फिर से उसको बढ़ाने के लिए एक ये मंडल या फिर एक ये संघ बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से जो चिपको आंदोलन रहा है ये साबित हुआ काफी महत्वपूर्ण, काफी वैल्यूएबल, कीमती रक्षा के लिए, कंजर्वेशन मतलब सुरक्षा, रक्षा के लिए, फॉरेस्ट जो जंगल है उसकी रक्षा के लिए। इट हैज टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन, यह एक महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाया टू द पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, लोगों को जंगलों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा पाठ इसने सिखाया। देखिए दोस्तों है क्या, हमें थोड़ी समराइज कर दूँ, आगे ये पूरा एक्सरसाइज है, मैं बाद में बताऊँगा। देखिए है क्या, ये जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ ना, ये अपने से नहीं हुआ, कोई लोग चार लोग आके नहीं किए। जब यहाँ पे जंगल की कटाई होने लगी, जब उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है, उनको खाने के लिए फल नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, तो उन्होंने उस तबाही को देखा, समझा, जाना, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाएगा, जो बचे कुछ पेड़ हैं हम उसे नहीं कटने देंगे। और आज आप देखिए हिमालय पूरा जो रीजन है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश का रीजन देखिए, उत्तराखंड रीजन देखिए, जो आपको नॉर्दर्न इंडिया दिखेगा, नॉर्दर्न स्टेट्स दिखेंगे, वो जंगल की भरमार है, वो समझ रहे हैं पेड़ों का महत्व तो क्या है। तो जो है ट्रीज आर सेवियर्स, तो एक ये इंस्टेंस दिया है कि किस तरह से एक बर्बाद होती सभ्यता को, बर्बाद होते जीवन को, पेड़ों को बचाने का जो एक प्रयास रहा है चिपको आंदोलन, उसने पुनर्जीवित कर दिया। आज वो लोग खुशहाल से जी रहे हैं और सही बात है, सही बात है कि आज जब कभी भी पेड़ काटने की बात आती है उसके संबंध में कई सारे लॉज बन चुके हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड आपका फॉरेस्ट हो गया, पूरा नेशनल पार्क्स हो गए, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट को बचाने की मुहिम ही है जो कि इन्हीं स्ट्रगल्स के बाद वो स्वरूप ली है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे क्या ये पाठ रहा है। जो भी आगे होगा मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आप हमसे मिलिएगा, धन्यवाद।